किचन बाय विनी में आज बनने जा रहा है बहुत ही टेस्टी रोल, और ये रोल है लेफ्ट ओवर रोटी और लेफ्ट ओवर सब्जी से। तो यहाँ मेरे पास कुछ रसीली आलू की सब्जी थी, इसको मैंने एक छन्नी में स्ट्रेन कर लिया है, और एक भुट्टा लिया है उसको भी कस लिया है। भुट्टा और सब्जी दोनों को मिक्स कर लिया है। ये बोल मुझे थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो मैं इसको भी बड़े बर्तन में पलटा लेती हूँ। और इस तरह आलू भुट्टा मिक्स करने के बाद में हमने इसमें डाइस करे हुए गाजर, या फिर आप कस भी सकते हैं, और 2-3 कली लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा किसा हुआ, और 1 चम्मच नमक, इन सबको अच्छे से मिला के मैश कर लिया है। अब मसाले को साइड में रख देंगे और अब हम लेंगे लेफ़्ट ओवर रोटियाँ। ये यहाँ 3 से 4 रोटी मैंने ली हैं, और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप दूध। दूध बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इतना ही डालेंगे कि रोटियाँ सोक कर सकें, और रोटियों को बहुत देर भी दूध में डुबो कर नहीं रखेंगे, जब मसाला तैयार हो जाएगा उसके बाद ही हम इस रोटियों को दूध में डालेंगे, नहीं तो ये रोटियाँ टूट जाएंगी। खैर, टूट भी जाएंगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी हम रोल तैयार कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो रोटियों को इस तरह दूध में डुबो के अच्छा सॉफ्ट कर लिया, और इस तरह रोटियों में टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा, सिकने पर ये काफ़ी कुरकुरी हो जाएंगी। तो अब हम इसके ऊपर जो हमने मसाला तैयार करा था वो हाफ रोटी में स्प्रेड कर देंगे। अगर आपको मसाला बहुत पसंद है तो आप इसको फुल रोटी में भी अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं। इस पे सॉस, बटर, चीज़ ये भी स्प्रेड कर सकते हैं। और अब रोटियों को हल्के हाथों से ऐसे रोल करते जाएंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। इस तरह ये हमारे रोल अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ये दूसरा रोल भी हम इस तरह से तैयार कर रहे हैं। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। इसके लिए आपको कोई पहले से तैयारी नहीं करनी है। तो इतनी मज़ेदार रेसिपी के लिए एक मज़ेदार कमेंट करेंगे और एक प्यारा सा लाइक करेंगे, दिल से एक शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह हम रोटियाँ रोल कर लेंगे, और अब हम तवे को गैस पर गरम करने रखेंगे, और साथ में तवे को हम ग्रीस भी कर लेंगे। तवा गरम हो जाने के बाद और ग्रीसिंग हो जाने के बाद में हम इसमें ये रोल डालेंगे। आप चाहें तो रोल को 2 या 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। रोल जब एक तरफ से सिक जाएंगे तो फिर हम उसको धीरे से दूसरी साइड सेकेंगे, और इस तरह से पलट पलट कर हम रोल सेकते जाएंगे। अब अगर मसाला आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से इसमें और वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स या फिर कुछ और डाल के चेंज कर सकते हैं। यहाँ जो मैं आपको बता रही थी कि रोटियाँ बहुत ज़्यादा गल जाती हैं, तो आप ऐसा आलू का मसाला और रोटियाँ दोनों एक साथ मैश कर लीजिए, और इस तरह लंबे लंबे रोल बनाकर उसको भी आप इस तवे पर ऐसे डाल दीजिए, और इनको भी अच्छे से सेक लीजिए। इस तरह आप देखते जाइए कि क्या आपके ये रोल अच्छे से सिक गए हैं, और अगर हाँ तो फिर इनको सर्विंग ट्रे में निकाल लीजिए। अब इनको आप चाहें तो सॉस, दही, चटनी जिसके साथ भी सर्व करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ मैंने मसाला दही तैयार करा है, यानी तड़के वाला दही मूंगफली के साथ, इसमें राई का तड़का दिया है। लेफ्ट ओवर सब्जी अगर नहीं है तो आप इसकी जगह आलू उबाल के भी डाल सकते हैं। रियली टेस्ट करने पे बहुत ही यम्मी है।